हेलो एंड वेलकम टू इजीली। माय नेम इज गौरव पासवाल और आज के इस लेक्चर के अंदर हम चीजों को डील करेंगे और केमिस्ट्री को फील करेंगे। कैसे? तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं, किसके बारे में समझने वाले हैं, तो हम समझने वाले हैं अबाउट द आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड में मैंने पिछले लेक्चर की अगर बात करूं तो मैंने डिफरेंट आयनिक सॉलिड लिया। मैंने शुरुआत करी NaCl के साथ में, मैंने जिंक ब्लेंड बताया, मैंने आपको कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर बताई, मैंने Na2O बताया, मैंने आपको सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर भी बता दी, लेकिन वहां पर कुछ स्ट्रक्चर थी जो बच गई थी, जैसे कि हमारे पास में जिंक बुटजाइट है। अब इस लेक्चर में मैं और क्या क्या चीजें आपको बताने वाला हूं, यहां पर मैं बताने वाला हूं कि जिंक बुटजाइट स्ट्रक्चर क्या होती है, जिसको मैं कहता हूं फॉर्मूला जिंक ब्लेंड का और बुटजाइट दोनों का सेम होता है, ZnS होता है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ऐसे ही मैं आपको एक कमाल की चीज बताने वाला हूं, व्हिच इज एक्चुअली डायमंड क्यूबिक यूनिट्स है, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूं इनवर्स स्पाइनल और स्पाइनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, और यहां पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन की, क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में महारत हासिल करनी है ना, कि फिजिकल केमिस्ट्री आपको आने लग जाए, तो सीधी सी बात है आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी हो जाती है। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस इस लेक्चर में आपके लिए मैं बहुत सारी लेके आया हूं, तो प्रैक्टिस करेंगे और कंसेप्ट को फील करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज है, हम यहां पर समझने वाले हैं डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। सर ये होता क्या है? तो ये बताओ यार, डायमंड जो है वो किस चीज का एलोट्रॉप है? आप कहोगे सर कार्बन का, तो बहुत बढ़िया, इतना सा पता है ना, इतनी चीजें पता है, बाकी की चीजें मैं आपको लेके चले जाऊंगा, बाकी की चीजें मैं खुद बता दूंगा आपको। देखो जरा, देखो मैंने क्या बोला था, अगर आपको किसी भी चीज के बारे में, मतलब अगर मेरे पास में क्या है, जैसे डायमंड की बात कर लो, ठीक है। अब डायमंड के अंदर दो चीजें आपको पता चल जाए कि इसके अंदर लैटिस बनाने का काम कौन कर रहा है, और इसके अंदर ऑक्टाइडल वॉइड या फिर टेट्राइडल वॉइड के अंदर कौन जा रहा है, यानी कि मैं बात कर लूं कि स्केलेटल किसने बनाया है और वॉइड में कौन सा एटम जा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, बहुत ही कमाल की चीज है, बहुत ही कमाल का कंसेप्ट है। देखो जनरल केस में क्या होता है, जनरल केस के अंदर हमारे पास में क्या होता है, जैसे मैं NaCl का एग्जांपल लेता हूं, किसका एग्जांपल, NaCl का। इसमें Cl तो क्रिस्टल लैटिस बना रहा है और Na वॉइड के अंदर जा रहा है, कौन सी वॉइड के अंदर जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर। तो होता क्या है, यहां पर ऐसा केस नहीं होता है, यहां पर कार्बन ही वॉइड बना, कार्बन ही स्केलेटल बनाता है और वॉइड के अंदर ही कार्बन ही जाता है, मतलब इसको भरोसा नहीं है दूसरे एटम पे। भाई साहब डायमंड डायमंड है भाई, इसने क्या किया है, कार्बन एटम ने क्या किया, दूसरे इधर लिखो कार्बन एटम, इधर क्या लिखोगे, इधर भी कार्बन एटम ही लिखना है। फिर क्या होगा सर, फिर देखो जरा यार, कमाल की बात है, रुको जरा, सबर करना पड़ता है कुछ चीजों में। कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है क्या करेगा, सीसीपी लैटिस या फिर मैं आपसे कह दूं एफसीसी यूनिट सेल इसने बना ली। चलो ऐसा लिख लेते कि इसने क्या किया, सीसीपी लैटिस, ठीक है, सीसीपी लैटिस इसने बनाया, ठीक बात है। दूसरी तरफ क्या होता है, सीसीपी लैटिस ने बनाया और जो कार्बन एटम है वो किस वॉइड के अंदर जाता है, तो वो जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर। यानी मैं अगर ऐसा कहूं आपसे, इस टाइप का अरेंजमेंट आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, और इसके अंदर क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड भी 50%, अगर मैं कह दूं यहां पे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो 50% ऑक्यूपाइड है, कितना परसेंट ऑक्यूपाइड है, 50% ऑक्यूपाइड है। याद करो पिछला लेक्चर, क्या ऐसी कोई अरेंजमेंट हमने कहीं पढ़ी थी क्या, याद आ रहा होगा, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड में H2- क्रिस्टल लैटिस बनाने का काम करता है, कौन सा लैटिस, सीसीपी लैटिस, और यहां पर अपने पास में जो Zn2+ था वो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर जाता है। तो मतलब कुछ सिमिलर सी बात ही है, मतलब जिंक ब्लेंड जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कैसी अरेंजमेंट होता है, डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल जैसा होता है, लेकिन डिफरेंट कहां पे आ जाता है, वहां पर दो आयंस थे, यहां पर केवल एक एटम ऐसा काम कर रहा है, समझ में आया। अब जरा देखो, जरा चीजों को देखो, बहुत ही कमाल का कांसेप्ट है। इसमें जनरली जो क्वेश्चन बनता है वो कहां से बनता है, पैकिंग एफिशिएंसी, उसको भी मैं समझाऊंगा आपको। तो होगा क्या, यहां पर चार एटम, चार कार्बन एटम अगर मैं लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, चार कार्बन एटम पर यूनिट सेल, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। दूसरी तरफ मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहां पर क्या होगा, 50% वॉइड ऑक्यूपाइड होती है, 50% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होती है। इसका मतलब इसका नंबर क्या हो जाएगा, इसका नंबर भी चार ही हो जाएगा, ठीक है, चार यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। जाता कौन है उसमें, जाता सर वही अपना कार्बन ही जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर अगर मैं टोटल एटम्स की बात करूं, चार कार्बन एटम इधर से, चार कार्बन एटम इधर से, तो टोटल एटम्स कितने होते हैं, टोटल 8 कार्बन एटम पर यूनिट सेल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसको मैं वैसे भी समझा दूंगा यार,
सिंपल सी बात है, देखो कार्बन है, सीसीपी लैटिस बनाने का मतलब क्या है, सीसीपी लैटिस बनाने का मतलब समझते हो, कार्बन हर एक कॉर्नर प्रेजेंट होगा, हर एक फेस सेंटर प्रेजेंट होगा, कितने एटम आते हैं यहाँ पे, चार एटम आते हैं, वही मैंने लिखा है। अब 50% ऑक्यूपाइड करेगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, और अपने मतलब इधर अंडर रूट 3/4 डिस्टेंस में यहाँ पे है, ठीक है, फिर उसकी पोजीशन कुछ ये हो जाएगी, फिर अपना मतलब कहीं ना कहीं अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ल्ड पे वो प्रेजेंट होगा, इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल पर आपको उनको प्रेजेंट करना है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, मतलब आठ में से चार को ऑक्यूपाई करना है, ठीक है, समझ में आई बात, यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी, मतलब आठ कार्बन एटम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट इज सिमिलर लाइक अ ZnS स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड जो स्ट्रक्चर है उसके जैसी स्ट्रक्चर ये होती है। अब जरा चीजों को समझो, इसमें कुछ अगर मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आपके साथ में रखना चाहता हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता रहता है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू जेड इनटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब मुझे यहां पर दो चीजें चाहिए, जेड तो मुझे पता चल चुका है, एक डीसीसी यूनिट सेल के लिए जेड की जो वैल्यू होती है, जेड की जो वैल्यू है वो क्या होती है, आठ होती है, सबसे मैक्सिमम देखने को मिल रही है। अगर मैं एफसीसी की बात करता हूं, उसके अंदर क्या है, चार आती है, ठीक है, इसमें कितनी आठ होती है, लेकिन अगर इसकी पैकिंग की एफिशिएंसी निकालेंगे ना, तो होना क्या चाहिए था, आठ एटम है, इसका मतलब ऑक्यूपाई अच्छे तरीके से करना चाहिए था, ठीक है, और इसकी वजह से इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74 से भी ज्यादा आनी चाहिए थी, समझ रहे हो, 74 से भी ज्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 74 से तो बहुत ही कम आती है, आधी से भी कम आती है उसकी, देखो जरा क्या होता है। तो मुझे यहां पर दूसरी जो चीज चाहिए होगी, दैट विल बी, वो क्या होगा अपना यहां पर ए का आर के साथ में रिलेशन, ए वर्सेस आर रिलेशन आपको चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा, जरा ये कैसे निकले, इसको निकालने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, अरेंजमेंट देखना पड़ेगा कि जो, अब देखो ये कब निकालते हैं अपन, या किसके अलोंग निकालते हैं, कहीं ना कहीं जहां पर एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, तो देखिए जरा एटम इसमें कैसे टच करेंगे, जरा स्ट्रक्चर की तरफ आपको लेके जाऊंगा एक बार मैं। यहां पर कॉर्नर है तो कार्बन, फिर अपनी यहां पे ले लेते हैं टेट्राहेड्रल वर्ल्ड, ठीक है, मान लीजिए देखो जरा अपने पास में क्या है, ये कॉर्नर है, ये टेट्राहेड्रल वर्ल्ड है, फिर अपनी यहां पर क्या आ जाएगी, ये टेट्राहेड्रल वर्ल्ड है और ये रही। तो कहने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको इमेजिन कराऊं, आप कहीं ना कहीं एक रूम में बैठे हुए, ना रूम में बैठे होंगे कहीं ना कहीं, कोई रोड पे आके तो पढ़ नहीं रहे होंगे, एक्चुअली अच्छी बात है अगर रोड पे भी पढ़ते रहते हो आप तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जनरल केस का एग्जांपल लूं तो आप कहीं ना कहीं रूम में बैठे होंगे, रूम को ऑब्जर्व करो, कॉर्नर दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा, उससे अंडर रूट 3/4 डिस्टेंस पे यहां पर एक टेट्राहेड्रल वर्ल्ड है, दिख रही होगी, ठीक है। अब देखो मैं अलोंग द किसके चल रहा हूं, बॉडी डायगोनल चल रहा हूं, ठीक है, कॉर्नर अंडर रूट 3/4 डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रल वर्ल्ड, फिर इधर एक कॉर्नर है, उसके अंडर रूट 3/4 डिस्टेंस पे एक क्या है, टेट्राहेड्रल वर्ल्ड है, लाइन खींच दो, कितनी डिस्टेंस है ये, अंडर रूट 3 है, तो होगा क्या यहां पर ये एटम कार्बन का, ये टेट्राहेड्रल वर्ल्ड, ये भी टेट्राहेड्रल वर्ल्ड, और ये मेरा क्या हो गया, यहां पर कॉर्नर हो गया। तो अगर मैं यहां पर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मेजर करूं तो इसको कहते क्या है, इसको हम कहते हैं अंडर रूट 3a, क्या कहते हैं इसको, अंडर रूट 3a कहते हैं। अगर मैं इसकी यहां पर रेडियाई की बात करता हूं, है तो सबके सब कार्बन एटम, इसका मतलब r, ये r, ये r, ये अपना क्या हो गया rr, और ये r, RR मूवी की बात नहीं कर रहा मैं, रेडियाई की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, R प्लस R, ठीक है, 2R हो गया, 3R, 4R, 5R, 6R, ऐसा दिख रहा अपन को, है ना, दिख रहा है। अब देखो जरा कितने एटम हुए यहां पर, कहीं ना कहीं अपने पास चार है R, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जरा मैंने जब चीजों को कनेक्ट किया तो देखो जरा यहां पर इसके थ्रू भी तो जाएगा, कहीं ना कहीं इसके थ्रू जाएगा, इस तरीके से लाइन खींचनी पड़ती है अपन को कहीं ना कहीं, ठीक है, ये चीज होती है, ये चीज होगी। कहने का मतलब क्या है, ये अरेंजमेंट होगा, ठीक है, ये अरेंजमेंट है, मतलब क्या हुआ यहां पर अपने पास में, ठीक है, एक एटम और आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ अपने पास में यहां पर कुछ ये अरेंजमेंट देखने को मिलता। अब देखो कैलकुलेट करो चीजों को, R, ठीक है, 2R, 4R, 6R, इधर R, मतलब 7R प्लस 1R is equal to 8R हो गया। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो अंडर रूट 3 होती है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू
8R, यानी मुझे A का R के साथ में क्या पता चल चुका है, रिलेशन पता चल चुका है। क्या बोला मैंने, मैंने आपको कॉर्नर बताया, मैंने आपको टेट्राहेड्रल वॉइड बताई, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद में कहीं ना कहीं इसको टच करता हुआ जाएगा, ये कहीं ना कहीं मतलब देखने में इमेजिन करना इसको बहुत मतलब आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ निकाल के कि कुछ ये इस तरीके से यहाँ पे कार्बन एटम दिखेंगे और जो कि बराबर हो जाएंगे इसके, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 8R। तो कहने का मतलब हमारे पास में यहाँ पर क्या हुआ है कि अंडर रूट 3A बराबर किसके हो गया है, 8R के हो गया है। अब इन चीजों को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू 8R डिवाइड बाई अंडर रूट 3। इस चीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा और इसमें पुट करूंगा, अपने आप रिलेशन बन के तैयार हो जाएगा। तो रखते हैं जरा, रुको, हाँ तो रखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए जरा मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने Z की वैल्यू रखी, कितनी रखूंगा, 8 रखूंगा, इनटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई, किससे करोगे आप, 8R डिवाइड बाई अंडर रूट 3 का क्यूब। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा अपना 8 × 4/3, ऊपर वाली वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, डिवाइड बाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, डिवाइड बाई आप क्या करोगे यहाँ पर, 8 × 8 × मतलब अपने पास में 64 × 8 डिवाइड बाई 3 अंडर रूट 3 आर क्यूब हो गया, मतलब अपने पास में ये चीज कटी कितने बार, 16 टाइम, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, अंडर रूट 3 बचा, 8 से 8 कैंसिल आउट। तो अपने पास में जो तरीका यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे, मतलब अपने पास में जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो कितनी निकल के आएगी, पाई डिवाइड बाई 16, और कुछ बचा है क्या, अंडर रूट 3 भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 पाई अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 16, यहां पर ये चीज निकल के आई है। जिसको आप सॉल्व करोगे, अब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी, और नहीं करते हो तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो यहां पर जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, 34% निकल के आती है, जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है हमारा डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल की, दैट इज इक्वल टू 34%। क्या बोला मैंने, FCC यूनिट सेल है, मान लिया उसमें 4 एटम है, यहां पर 8 एटम है, लेकिन अगर बात करी जाए पैकिंग एफिशिएंसी की तो FCC की बहुत ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है, डबल करते 68 आता है, 68 से भी 6 ज्यादा है, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या, यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है, अगर मैं आपसे कहूं कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ DCC यूनिट सेल इज इक्वल टू 34%, मैं आपसे कहूं DCC यूनिट सेल के अंदर जो Z है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जेड की, जेड बराबर कितना है, 8 है, A का R के साथ में रिलेशन, तो यहां पर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 8R है। ये कुछ चीजें हैं, यानी मैंने आपको समराइज करके बता दिया कि क्या क्या चीजें इसके अंदर है, क्लियर होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जो मुझे आपको समझानी है, दैट इज बुटजाइट स्ट्रक्चर। अब बुटजाइट स्ट्रक्चर का फॉर्मूला देखो जरा, दिस इज फॉर्मूला। मैंने क्या बोला, आपको किसी भी आयनिक सॉलिड के साथ में डील करना है, आपको मैं दो चीजें बताऊंगा, आगे की चीजें आप खुद डिराइव कर सकते हो, यहां पर भी कर लोगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए जरा कौन कौन सी दो चीजें हैं, मैं आपको दो शब्द कहना चाहता हूं, दो शब्द कौन कौन से हैं, H2- ZN2+ बनाता है जिंक ब्लेंड में, FCC बनाई थी, CCP स्ट्रक्चर थी, यहां पर क्या होगी, HCP लैटिस बनाएगा, क्या बनाएगा, HCP बनाएगा। इधर क्या होगा, यहां पर भाई साहब जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर बैठ जाएंगे, कहां पर बैठ जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर बैठ जाएंगे। आगे की चीजें खुद ड्राइव कर सकते हो, मैं नहीं करने वाला हूं, आपको खुद करना है। कैसे करोगे, HCP मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे, बताओ यार, बोलो जरा, 6 हो जाएंगे। मैंने आपको चीजें करके बताई है, पहली बार नहीं बता रहा हूं ये चीजें, पहले आपको करके बताया है सारी चीजें, मैंने आपको अगर नहीं भी इमेजिन होती अभी दोबारा बता देता हूं। देखो जरा एक HCP यूनिट सेल कैसी दिखती है, ठीक है, ये ठीक, इसकी एक लेयर ये रही, क्लियर है, इसके यहां पर मिडिल में क्या थे, 3 एटम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट थे, ठीक है। इसको मैं ए लेयर कहता हूं, इसको मैं बी लेयर कहता हूं, इसको मैं ए लेयर कहता हूं। यहां पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से एटम प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से एटम प्रेजेंट हैं जो कि बीच वाले एटम को टच कर रहे हैं, यहां पर नहीं दिख रहा बट टच करते हैं, ठीक है। ठीक
ठीक है, पीछे में एक आइटम प्रेजेंट होता है। तो मैंने क्या बोला था आपको, जब कैलकुलेट कराई थी चीजें, तो मैंने आपको कहा था कि देखो ये जो कॉर्नर प्रेजेंट आइटम है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/6, तो ये कितने हुए टोटल 12। ठीक है, तो 12 इंटू 1/6 प्लस ये जो यहां पर आइटम प्रेजेंट है इसके मतलब लेयर के सेंटर में, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2, क्योंकि दो इंग्रेडिएंट सेल में कॉमन होता है। ठीक है, फेस सेंटर जैसा आला है इसका, इसका मतलब क्या हुआ, ये कितने है टोटल 2 है, तो 2 इंटू 1/2 प्लस ये 3 जो एटम है सेंटर में, ये भाई साहब क्या होते हैं, ये बिल्कुल एक यूनिट सेल के सगे होते हैं, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1। यहां तक चीजें मैंने आपको बताई थी। अब देखिए जरा, अब जरा चीजों को ऑब्जर्व करना, कट किया 2 आया, ठीक है 1 आया, ठीक है ये कितना आया 3 आया, तो 2 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 एटम पर यूनिट सेल निकल के आ चुके हैं। तो यहां पर जब मैं एचसीपी यूनिट सेल की बात करता हूं, तो एचसीपी यूनिट सेल के अंदर पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। आपको दोबारा चीजें बता दी है मैंने, यहां तक चीजें क्लियर होंगी। इसका मतलब आप ये कहोगे कि यहां पर जेड इज इक्वल टू 6 होगा, या फिर आप कह दोगे कि 6 सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल यहां पर होते हैं, कह दोगे क्या, कोई शर्माने की बात नहीं है इसमें, कह सकते हैं। अब देखिए जरा, अगर यहां पर एक एटम होता है तो उसको न्यूट्रलाइज एक जेड एन टू प्लस करता, मतलब अगर एक सल्फाइड आयन है उसको न्यूट्रलाइज एक जेड एन टू प्लस करता है, अगर यहां पे 6 एच टू माइनस है, हमारा क्रिस्टल तो न्यूट्रल होना ही है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पर 6 जेड एन टू प्लस की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कितने जेड एन टू प्लस होंगे, 6 जेड एन टू प्लस होंगे। लेकिन माई डियर फ्रेंड, बात करूं एचसीपी यूनिट सेल की, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी भी यूनिट सेल के अंदर n एटम है तो उसके अंदर n तो होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लेकिन उसके अंदर बात करी जाए टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, वो डबल होते हैं। समझ सकते हो यहां पर बात है, मेरी जो भावना है उसको समझ पा रहे होंगे कि यहां पर क्या है, 6 एटम अगर है, 6 आयंस अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर प्रेजेंट है, तो वहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, 12 होंगी सर, लेकिन ऑक्यूपाई कितनी करी है, 6 करी है। इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब यहां पर इसका परसेंटेज कितना ऑक्यूपाइड हो गया, इसका मतलब यहां पर परसेंटेज ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हुई, परसेंटेज ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो गया, यहां पर कितना हो गया कैलकुलेट कर सकते हो, तीन मैथमेटिक्स आपको आती होंगी। परसेंटेज टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बराबर कितना है, इट इज इक्वल टू 6/12 × 100, कितना हुआ 50% हुआ। अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्या पूछ लूं आपसे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना ऑक्यूपाइड है, तो निकाल सकते हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना ऑक्यूपाइड होगा, परसेंटेज ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बराबर 0 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड है। कितनी होती है, यहां पर 6 होंगी इनटू 100, कितना आएगा, अरे 0% आएगा ना। टोटल वॉइड कितना ऑक्यूपाइड है, टोटल परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना ऑक्यूपाइड है, टोटल वॉइड्स कितनी है, 18 है, उनमें से ऑक्यूपाइड कितना है, ऑक्यूपाइड ओनली 6 है। कितनी ऑक्यूपाइड है, देख सकते हो 6 जेड एन टू प्लस, जेड एन टू प्लस कहां जा रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड में। इसका मतलब 6/18 × 100 आप करोगे, कितनी वैल्यू निकल के आएगी जरा, 1/3, इसका मतलब 33.33% voids occupied है। बाकी की चीजें आपको यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप अगर बात करें इसके, इसकी बात करी जाए इस चीज की, कोऑर्डिनेट नंबर की, तो कोऑर्डिनेट नंबर खुद निकाल सकते हो, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर कोऑर्डिनेट नंबर 4 ही रहेगी, इधर भी कोऑर्डिनेट नंबर 4 ही आती है। चीजें क्लियर हुई क्या, चीजें क्लियर हुई या नहीं, तो ये हुई किसके बारे में बात, वुड्साइट स्ट्रक्चर की। अगर एग्जामिनर आपसे जिंक ब्लेंड कहता है तो सल्फाइड आयन एफसीज लैटिस बनाएगा। अगर एग्जामिनर आपसे कहेगा कि यहां पर है वुड्साइट स्ट्रक्चर, फॉर्मूला ZnS है लेकिन है वुड्साइट स्ट्रक्चर, तो उस केस में आप बोलोगे कि यहां पर एचसीपी लैटिस बनेगा, यहां पर सीसीपी लैटिस नहीं बनेगा। और सीसीपी लैटिस क्या होता है, एचसीपी लैटिस क्या होता है, दोनों को अगर कंपेयर करके भी बताऊं तो देखिए जरा, यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं जरा, देखिए जरा, ये होती है अपने पास में क्या एचसीपी। अगर मैं आपसे कहूं किस बारे में, मैं आपसे कहूं कि अपने पास में सीसीपी लैटिस क्या है, तो इसमें क्या होगा, अपने पास में यहां पर ये लैटिस आएगा, मतलब ए लेयर आएगी, बी लेयर आएगी, और फिर हमारी यहां पर सी लेयर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। अगर आप यहीं पे चीजों को समझने वाले हो कि मतलब ए लेयर ये हो गई मेरी, बी लेयर ये हो गई और सी लेयर ये हो गई, मतलब सीसीपी के अंदर तो एबीसी एबीसी लेयर अरेंजमेंट होता है और यहां पर होता है एबी एबी लेयर अरेंजमेंट। क्लियर बात है, ये चीजें क्लियर हो गई, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं जहां से मैं आपको लेके चल रहा हूं। अब चलिए बहुत ही कमाल का एक कंसेप्ट लेके आया हूं आपके लिए, दैट इज स्पाइनल स्ट्रक्चर्स। अब होता क्या है,
आप सभी जानते हो मिक्स ऑक्साइड्स। मिक्स ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड कुछ मेटल के साथ में रिएक्ट करता है और कुछ मिक्स ऑक्साइड बना लेता है। मेटल ऑक्साइड बनना तो बहुत इजी सी बात होती है। अब मेटल ऑक्साइड जो बनते हैं उनका हम स्केलेटल मान के चल रहे हैं Ab2O4। अब देखिए जरा, मैंने आपको जब सॉलिड स्टेट स्टार कराई थी, मैंने आपको जब बॉयड्स बताई थी, ठीक है, तो मैंने आपको एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया में जो हमारे एनायंस हैं उनका काम क्या है, लैटिस बनाने का, उनका काम है मजदूरी करने का, और हमारे पास में जो कैटायंस हैं उनका काम है जाके वॉइड्स में बैठने का। कौन कौन सी वॉइड हो सकती है? वॉइड सर हमारे पास में है, 3D की बात कर रहा हूं, टेट्राहेड्रल हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, क्यूबिक वॉइड हो सकती है, ठीक है। तो मेजरली यहां पर होता क्या है, मिक्स ऑक्साइड्स के अंदर अपने पास में क्या होगा, कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं। देखिए जरा किस तरीके से चीजें होती हैं, यहां पर कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। जरिया क्लियर है क्या? रुको जरा, क्लियर कुछ होगा ही नहीं अभी तक, तो चीजें बताई नहीं। तो यहां पर होते हैं एनहांस की अगर बात करूं तो यहां पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर अगर इन दोनों के एक साथ निकाल के दिखाओ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर 8/3 निकल के आ रही होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहां पर एक तो होता है A+2 और दो होते हैं यहां पर B+3। कितना हो गया टोटल, कितना हो गया, 8 हो गया। तीनों आयंस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो गई, 8 हो गई। और ऑक्साइड जो है, चार जो मेरे पास में ऑक्साइड है, इसका फिक्स है, इसका काम है मजदूरी करना। अब ये मजदूरी करके जो लैटिस बनाएगा उसका नाम क्या है, इसका नाम होता है CCP स्ट्रक्चर। क्या नाम हो जाता है इसका, इसका जो नाम है इसका नाम हो जाता है CCP स्ट्रक्चर। क्या कहते हो, CCP लैटिस आप इसको कहते हो, CCP लैटिस यहां पे बनता है। क्या लैटिस बनता है यहां पर, CCP लैटिस बनता है। अब होता क्या है, मेरे पास में स्पाइनल स्ट्रक्चर है, मेरे पास में स्पाइनल स्ट्रक्चर मतलब इनवर्स स्पाइनल है। अगर मैं बात करूं स्पाइनल स्ट्रक्चर की, एक स्टेटमेंट दूंगा हो गया, काम हो जाएगा, ठीक है। ये जाता है मतलब ये दोनों के दोनों चले गए ऑक्टाइडल वॉइड के अंदर। अरे अपने पास में जो कैटायन है उसका काम क्या है, ऑक्टाइडल वॉइड वॉइड मतलब वॉइड के अंदर जाने का। अगर ये मेरे पास में दोनों के दोनों +3 चार्ज जो है आयंस है या मेटल आयंस है वो चले जाते हैं ऑक्टाइडल वॉइड्स के अंदर, ठीक है, और मेरे पास में जो A+2 है कम ऑक्सीजन स्टेट वाला चला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर, तो इस तरीके की जो स्पाइनल स्ट्रक्चर है, इस तरीके के मिक्स ऑक्साइड को कहते हैं क्या, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर। अगर ऐसा हो, संविधान थोड़ा सा बदले और कुछ इस तरह की चीजें आपको देखने की मिले, अपने पास में स्केलेटल वही है, Ab2O4 ही है, लेकिन अब होता है कुछ चेंज। क्या चेंज होता है सर, पहले जो ऑक्साइड लैटिस बनाने का काम कर रहा था अब वो नहीं करेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी मजदूरी तो उसी से करवाएंगे हम बहुत जिद्दी आदमी हैं, मजदूरी ऑक्साइड से ही करवाएंगे, हम मजदूरी ऑक्साइड से कराएंगे, लेकिन यहां पर जो चीजें चेंज होंगी वो किस तरीके से चेंज होंगी, देखिए जरा सबर करिए। इधर B+3 है, पहले दोनों को मैंने एक साथ लिखा हुआ था, अब मैं दोनों को अलग अलग करता हूं, अलग अलग मैंने किया और यहां पर कुछ इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। होगा यहां पर कमाल, क्या कमाल होगा, देखो जरा एक बार इधर नजर मार लो, फिर कंपेयर करेंगे। ऑक्साइड CCP लैटिस बनाएगा, यहां पर भी CCP लैटिस ही बनाएगा, यहां पर कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, यहां पर कोई चेंज नहीं होता। A+2 कहां जा रहा था, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर जा रहा था, कहां जा रहा था, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर जा रहा था। इधर क्या होगा, ये भाई साहब अब टेट्राहेड्रल वॉइड में ना जाके चले जाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर। तो सर ये दोनों B+3 जो होंगे वो टेट्राहेड्रल वॉइड के में चले जाएंगे, अरे शिफ्ट हो गया ना, A+2 चला गया ऑक्टाहेड्रल के अंदर तो B+3 चला जाएगा किसके अंदर, टेट्राहेड्रल के अंदर। हाँ ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी लोचा है, जो एक B+3 है वो अभी भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर ही होता है। अरे A+2 थे कितने, एक था, तो एक ही B+3 जाएगा ना टेट्राहेड्रल के अंदर, एक ही B+3 जाएगा, मतलब यहां पर एक जो B+3 आयन है, एक जो मेटल आयन है विद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो चला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर। दिस अरेंजमेंट इज एक्चुअली नोन एज द इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। अब यहां से क्वेश्चन बनता कैसे है, क्वेश्चन बहुत ही आसान बनता है, देखो जरा, आप सभी को पता है CCP लैटिस अगर आपके सामने में रखता हूं, CCP लैटिस रखता हूं, तो मेरे पास में अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में n कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी और उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, तो आप कहोगे सर उसके अंदर
ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो सर फिक्स है ना, कितनी हो जाएंगी ऑक्टाहेड्रल वर्ड यहां पर कितनी होंगी सर, जितना एन है इसका मतलब एन हो गई, यहां पर ये कितनी हो गई 2n हो गई। अब तो ये आपको नींदों में भी याद आने लग गया होगा कि एन ऑक्टाहेड्रल वर्ड 2n टेट्राहेड्रल वर्ड। अगर मैं ऐसा कहूं यहां पर चार है, अगर यहां पर चार है तो चार ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगी और यहां पर 8 कितनी हो जाएंगी टेट्राहेड्रल वर्ड हो जाएंगी। क्लियर बात है। अब देखिए जरा जनरली जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में क्या करेगा, ए को किसी मेटल से रिप्लेस कर देगा, बी को किसी दूसरी मेटल से रिप्लेस कर देगा, है ना। तो होता क्या यहां पर आपसे पूछ लिया जाता है कि इस केस में परसेंटेज टेट्राहेड्रल वॉइड जो ऑक्यूपाइड है वो कितना है, मतलब कितना परसेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का ऑक्यूपाइड है, दूसरी तरफ कितना परसेंट यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का ऑक्यूपाइड है और कितना परसेंट टेट्राहेड्रल वॉइड का ऑक्यूपाइड है। कुछ नहीं करना, आपको पता है इधर नंबर कितनी है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है चार है, ठीक है, और टेट्राहेड्रल कितनी है 8 है। अपने आप परसेंटेज निकाल दोगे, मार्क्स परसेंटेज निकालना आता तो होगा, यहां पर वही यूज करना है, कितने ऑक्टेन मार्क्स है डिवाइड बाय टोटल मार्क्स कितने हैं, कितनी वॉइड ऑक्यूपाइड है ऑक्टाहेड्रल डिवाइड बाय ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल कितनी है इनटू 100। देखो जरा करके बताता हूं, छोड़ूंगा नहीं बीच में, छोड़ूंगा नहीं कि तुम कर लेना, नहीं करके बताऊंगा। टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पर कैलकुलेट करी जाए, इनवर्स स्पाइनल में पहले कर रहा हूं, ठीक है। इनवर्स स्पाइनल में क्या है, बी प्लस थ्री गया है, कितनी यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो यहां पर 8 है, तो 1/8 इनटू 100 कितना निकल के आएगा बताओ जरा, अपनी मैथ बताओ, 12.5%। यहां पर देखो जरा, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये रही, दूसरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये रही जो कि ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब 2/4 इनटू 100 इज इक्वल टू कितना आया 50%, और टोटल परसेंटेज आप निकाल सकते हो कितना आ जाएगा यहां पर 3/12 आएगा, 3/12 अगर मैं बात करूं परसेंटेज वॉइड ऑक्यूपाइड कितना है तो दैट इज इक्वल टू 33.33%। कैसे, अरे तीन, एक तो ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड, दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉइड, 8+4 कितना हुआ 12 इनटू 100 कितना हो गया 33.33% यहां पर निकल के आ गई। सिमिलरली अगर मैं आपको स्पाइनल स्ट्रक्चर में ये चीजें बताता हूं तो आप कर पाओगे क्या, स्पाइनल स्ट्रक्चर में कर पाओगे क्या, कर सकते हो, कैसे नहीं कर पाओगे, परसेंटेज टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड कितनी है टेट्राहेड्रल वॉइड सर 1 है, कितने में से 8 में से, क्यों, अरे 8 ही तो होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड है सीसीपी के अंदर, कितना आया 12.5%। ठीक है, यहां पर कितना होगा परसेंटेज ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना ऑक्यूपाइड है तो दैट इज इक्वल टू 2/4 इनटू 100 इक्वल्स टू यहां पर 50% निकल के आ गया है। अगर मैं आपसे कहूं परसेंटेज ऑफ टोटल वॉइड जो ऑक्यूपाइड है इक्वल्स टू कितना होगा 3/12 इनटू 100 कितना निकल के आ गया 33.33 बराबर निकल के आया गया, बराबर निकल के आया क्या भाई, बराबर निकल के आया। तो यहां तक चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आई या नहीं आई है। अब एक कमाल का कंसेप्ट और होता है विच इज एक्चुअली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। होता क्या है, अपन डिफरेंट क्रिस्टल्स को जैसे आगे अपन जब चीजें पढ़ेंगे तो मैं डिफेक्ट पढ़ाऊंगा चीजों, मतलब डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है, डिफेक्ट एक क्रिस्टल लैटिस में डिफेक्ट आता है। जनरल अगर मैं आपसे कहूं 0 केल्विन टेम्परेचर पे अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ पढ़ा है तो ये कहा जाता है कोई भी जो प्योर क्रिस्टल है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे बिल्कुल वो उसके अंदर एंट्रोपी बराबर 0 हो जाती है, एंट्रोपी जो चेंज है वो बराबर 0 होता है। मतलब मैं कह रहा हूं अगर मैं एक प्योर क्रिस्टल लूं, ठीक है, और उसको मैं 0 केल्विन टेम्परेचर पे या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे लेके जाऊं तो उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर जो एंट्रोपी जो चेंज है वो बराबर हो जाता है 0 के, ठीक है, ये चीज होती है। लेकिन अगर ऐसे कहूं यहां पर मैं अब टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, रेंडमनेस बढ़ेगी, और रेंडमनेस बढ़ेगी तो मैं कहूंगा यहां पर क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। अब देखो जरा इसको समझो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है। NaCl का एग्जांपल लेता हूं, NaCl अगर मैं आपसे ये कहूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या था, याद करो कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रेशियो है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या था बताइए जरा, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या है,
तो आपको याद होगा 6:6 था। अब जैसे ही मैं इसको हीट करता हूं, इसको मैं हीट करना स्टार्ट करता हूं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये क्या हो जाता है, इसका जो कॉर्डनेस नंबर है 6:6 से 8:8 हो जाता है। क्या हुआ? 8:8 हुआ। अब 8:8 यार कहीं अपन जो एक आयनिक सॉलिड पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था अपन ने, विच इज एक्चुअली CsCl। तो होता क्या है, ये अपने NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर से ये अचीव कर लेता है CsCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं होगा कि ये NaCl से CsCl बन गया है, ऐसा नहीं हो रहा है। ये अपने दिमाग से थॉट निकाल दो, बस अरेंजमेंट इसके जैसा हो रहा है, अरेंजमेंट इसके जैसा हो जाता है। NaCl का जो अरेंजमेंट है वो CsCl के जैसा हो गया है, NaCl CsCl नहीं बना है। ये चीज क्लियर हो गया आई थिंक, ये इतना तो अपन ना कॉमन सेंस होगा, बट कॉमन सेंस इज द सेंस विच इज नॉट रियली कॉमन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां पर NaCl CsCl में नहीं बदल रहा है, बस अरेंजमेंट यहां पर S के जैसा हो रहा है। इसके जैसा मतलब यहां पर क्या था, Cl- FCC lattice बना रहा था और Na+ जा रहा था octatial void के अंदर। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर Cl- अब CCP lattice नहीं बना रहा है, अब वो केवल corner present है, केवल कॉर्नर प्रेजेंट है, उसको लेना देना नहीं, लेना देना नहीं है कि फेस सेंटर पे क्या करना है। ठीक है, और यहां पर हमारा जो Na+ है वो चला जाता है बॉडी सेंटर पे, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है किसकी जैसी हो गई, हमारे जो सीजियम क्लोराइड है। ठीक है, कोऑर्डिनेट नंबर उसके अंदर क्या होती है, 8:8 होती है। तो यहां पर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है, क्लियर होगी, ऐसी चीजें अपन को देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहां पर अपन ने मैक्सिमम पार्ट है किसका, सम अपने पास में जितने भी आयनिक सॉलिड्स थे उनका कंप्लीट कर चुके हैं अपन। अब यहां पर हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको महारत हासिल करनी है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर क्या पूछा होगा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि बी आर माइनस आयन है अपने पास में टू फॉर्म अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसने क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाई जहां पर इसका जो रेडियस है अपने पास में, जो रेडियाई ऑफ द बी आर माइनस आयन है दैट इज इक्वल टू 195 पिकोमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कैटायन दैट जस्ट फिट इन टू द टेट्राहेड्रल होल। ठीक है, मतलब अपने पास में क्या है, यहां पर रेडियाई कैलकुलेट करनी है जो कि जस्ट फिट इन द टेट्राहेड्रल होल। कैन अ कैटायन हैव अ रेडियाई ऑफ 82 पिकोमीटर slipped into the octahedral hole of a crystal। ठीक है, अपने पास में क्या है, ए बी आर कोई भी क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, ए बी आर कोई भी क्रिस्टल है, अगर मैं बात करूं यहां पर ए की जो रेडियाई है दैट इज इक्वल टू 82 पिकोमीटर, तो क्या यहां पर हमारे पास में जो ए प्लस है मतलब जो कैटाइन है, क्या वो अपने पास में ऑक्टाइडल वॉइड के अंदर जा सकता है? तो क्या करोगे इस केस में, रेडियस रेशो निकालोगे और रेडियस रेशो निकाल के अपने पास में क्या करोगे, 82 पिकोमीटर डिवाइड बाई 195 पिकोमीटर। इसको जरा कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद में अपन चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट आप करोगे यहाँ पर कितना वैल्यू आ रहा है, तो यहां पर अपन कैलकुलेट करते हैं अपने पास में क्या है, 82 डिवाइड बाई 195 पिकोमीटर, इट इज इक्वल टू 0.420। इसका मतलब क्या है, हमारी जो रेंज होती है ऑक्टाइडल वॉइड की, ऑक्टाइडल मैं ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें रेंज क्या बताई थी मैंने रेडियस रेशियो की, वो बराबर थी 0.414 से 0.732 के। इसका मतलब यहां पर हमारा जो आंसर है दैट इज यस, यहां पर ये जो ए प्लस है कहीं ना कहीं इस किसके अंदर जा सकता है, ऑक्टाइडल वॉइड के अंदर जा सकता है। क्यों जा सकता है, देखो जरा इस रेंज के अंदर जा रहा है ना, ये इस रेंज में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऑक्टाइडल होल के अंदर जाएगा। क्लियर बात है, रेंज के अंदर आ रहा है, इसका मतलब जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि इन अ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर अपने पास में जो O- है मतलब O2- है उसने बनाई है CCP स्ट्रक्चर। The lattice is made up of oxide ion, ठीक है, 1/8 of the tetrahedral void, इसका मतलब tetrahedral void में कौन गया, A plus 2, ठीक है, और 1/8 पे जाता ही है, ठीक है, 1 केवल occupied है, number इसके 1 होती है, and while 1/2 मतलब B plus 3 जो है, उसने 50% को occupy कर लिया है, what is the formula of the oxide, क्या हो जाएगा, formula क्या हो जाएगा oxide का, Ab2O4, clear है, अभी किया है अपन ने। चलिए अगला question देखा जाए, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत ही आसान है। पूछा गया यहां पर कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय Mg2+ आयन, मतलब मेरा जो फार्मूला है MgEl2O4 है, क्या है, MgAl2O4 है। इस केस में अरे बिना पेन उठाए भी कर सकते हो इसको, कैसे करोगे,
कराया भैया मैंने, ठीक है 12.5%। अगर मैं सिंपल केस की बात करूं क्या क्या बोला गया, MG2 प्लस ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल होल, मतलब ये कौन सा स्पाइनल है, नॉर्मल स्पाइनल है, स्पाइनल स्ट्रक्चर है। इनवर्स स्पाइनल में क्या होता, जो हमारा MG2 प्लस है वो ऑक्टाइडल वॉइड के अंदर जा रहा होता। इसका मतलब क्या है, यहां पर कुछ इस तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी। क्या देखने को, MG2 प्लस, यहां पर मेरा Al3 प्लस और यहां पर चार ऑक्साइड है, ठीक है। तो देखिए जरा, ये कहां पर गया है टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर, ये कहां पर गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर, और ये कहां पर गया है एब्सिसी लैटिस के अंदर। तो क्या कह सकते हो आप, यहां पर सिंपल टेट्राहेड्रल केस में 12.5% आएगा, यहां पर कितना आएगा 50% ऑक्यूपाइड है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कर सकते हो, करा भी अपन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है, अपने पास में एक एब्सिसी लैटिस कौन बना रहा है, मतलब देखो जरा चीजों को, एक एक चीज लिखते हैं, ठीक, एक एक चीज अपन यहां पर करते हैं, रुको जरा यार। देखिए जरा, हमारे पास में एक एक्स वाई क्रिस्टल लैटिस है, यहां पर क्या है, एक्स एटम इन अ फेस सेंटर्ड लैटिस ऑफ एक्स एंड वाई, वाई एटम, एक्स एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर व्हाइल वाई एटम आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि एक एब्सिसी लैटिस है आपके पास में, जिसमें एब्सिसी लैटिस कैसे बना है, जनरली क्या होता है, एक ही एटम बना के रख देता है, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, मेरा जो एक्स एटम है, जो वाई एटम है, एक्स एटम कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर में प्रेजेंट है, ठीक है, और वाई एटम कहां पर प्रेजेंट है, फेस सेंटर रिप्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को नाम क्या दे दिया है, इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया है एज अ फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब यहां पर डिफरेंट सिनेरियो लगाए हैं, सबसे पहले फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, अगर मैं एक्स को इधर रखता हूं, वाई को इधर रखता हूं, 8 × 1/8, इसका क्या है 6 × 1/2, कितनी नंबर आएगी, xy3, इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस देखो जरा, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ, अब कंडीशन देखो जरा, कंडीशन क्या है, अगर एक्स एटम इज मिसिंग फ्रॉम कॉर्नर इन ईच यूनिट सेल, मतलब प्रत्येक यूनिट सेल के अंदर, ईच यूनिट सेल के अंदर हम एक्स एटम को हटाना स्टार्ट करें, ठीक है, एक्स एटम यहां पर कितने हो जाएंगे, एक एक एटम को हटाए को, तो यहां पर 6 × 1/8, इसका मतलब क्या हुआ, ये 7 × 1/8 और इधर क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया, दूसरी कंडीशन में जो फॉर्मूला बन के आएगा दैट विल बी, मतलब ये वाला जो कंडीशन है A7B8, यहां पर फॉर्मूला होगा, क्लियर है क्या, A7B8 नहीं, A7B24, इधर 3 आई है ना वैल्यू, तो आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे कितनी वैल्यू हो गई यहां पर A7B24। इसमें क्या है, 2 एटम ऑफ x आर मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, इसका मतलब x इधर मेरा y, यहां पर क्या हुआ 6 × 1/8, इधर क्या है 6 × 1/2, यहां पर क्या हुआ 3, मल्टीप्लाई करोगे A6V24 इज द आंसर, यहां पर क्या हुआ A6V24 यहां पर आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, वन ऑफ द एक्स एटम फ्रॉम अ कॉर्नर इज रिप्लेस्ड बाय जेड एटम, मतलब अपन ने इस केस में क्या किया है, 8 कॉर्नर होते हैं, उनमें से एक कॉर्नर की जगह मैंने जेड एटम रख दिया है, उससे फर्क क्या पड़ता है, सिंपल सा सिनेरियो है, मेरे पास में ए एटम था, ए बोल रहा हूं सॉरी, एक्स एटम था, कहां पर प्रेजेंट था, कॉर्नर प्रेजेंट था, मेरे पास वाई एटम है, फेस सेंटर प्रेजेंट था, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसके मतलब हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी तक तो, है ना, जेड एटम कहां पर चला गया है, तो 1 × 1/8 कॉर्नर पे, ठीक है, इसका मतलब 7 × 1/8, ठीक है, क्या हुआ यहां पर 7/8, इधर 3, इधर 1 वाई एट, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करो, यहां फॉर्मूला क्या बनेगा, A7Y24Z, यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला बन के आ गया है, जेड वन आप लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो आई थिंक अपन को यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, डेंसिटी की जरा बात कर ली जाए। मैंने डेंसिटी आपको बता दी थी, फॉर्मूला बता दिया था, क्या फॉर्मूला बताया था, कि डेंसिटी जो होती है इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, ये फॉर्मूला आपको बताया था। अब होता क्या है, आपको जेड की वैल्यू चेंज होती रहती है, यहां पर ए का रिलेशन चेंज होता रहता है आर के साथ में, तो डिफरेंट आपको सिनेरियोस देते रहेंगे, कभी यहां पर डेंसिटी पूछ लेगा, या फिर डेंसिटी दे रखा होगा जेड पूछ लेगा, या फिर डेंसिटी दे रखी है जेड भी दे रखी है, मोलर मास पूछ लिया, ठीक है, या फिर ऐसा करेगा डेंसिटी दे रखी है, मोलर मास दे रखा है, जेड की वैल्यू दे रखी है, रेडियाई पूछ लेगा, या फिर ए पूछ लेगा, इस तरीके सिनेरियो कर देता है। अब देखो जरा यहां पर क्या क्या चीजें दे रखी है, बीसीसी लैटिस बोला गया है, इसका मतलब जेड बराबर क्या हुआ 2 हुआ, क्लियर बात है।
यहां पर क्या है एटॉमिक मास, मतलब m बराबर कितना हुआ 50 यूनिफाइड। ठीक है, जब यूनिफाइड बोल दिया है तो अपन को यहां पर na से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल ही बात है, मतलब डिवाइड करने की। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इफ इट्स एज लेंथ, मतलब यहां पर a की वैल्यू कितनी है 290 पिकोमीटर है, 290 पिकोमीटर है। अगर मैं यूनिफाइड को ग्राम में लिखूं कहीं ना कहीं, ठीक है, तो मैंने इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इस केस में क्या वैल्यूज पुट करेंगे और अपने पास में क्या है यहां पर 2 into 50 ग्राम डिवाइड बाय NA, ठीक है, into 290 का क्यूब। सिंपलीफाई आप कर सकते हो यहां पर और अपने पास में डेंसिटी निकल के आ जाएगी। किसके अंदर निकलेगी, अपने पास में यहां पर जो वैल्यू है पिकोमीटर बोला गया, इसका मतलब अपन को यहां पर 10^-2 का, देखो 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है 10^-12 मीटर के, लेकिन सेंटीमीटर की बात करूं 10^-30 सेंटीमीटर निकलेगा, इसका मतलब 10^-10 सॉरी, ठीक है, क्यूब करोगे 10^-30 होगा। ठीक है, तो देखिए 10^-30 हो गया इधर, तो रिजल्टेंट आप यहां पे वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, किसके अंदर निकलेगी, ग्राम पर सीसी के अंदर वैल्यू निकल के आए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर यहां पर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, डिफरेंट सिनेरियोज है, कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, मैं चीजें बता रहा हूं, कॉपर है, ठीक है, कॉपर अपने पास में क्रिस्टल लैटिस है, एफसीसी बनाया है, क्या बनाया है, एफसीसी लैटिस बनाया है, जेड की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, ओके। अपने पास में यहां पर रेडियाई, रेडियाई कितना है 127.8 पिकोमीटर यहां पर वैल्यू है, क्लियर है। कैलकुलेट डेंसिटी, डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, मोलर मास दे रखा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको एटॉमिक मास दे दिया है, तो और एनए की वैल्यू दे रखी है, तो क्या कर सकते हो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे और यहां पर एफसीसी बोला है, एफसीसी के अंदर क्या होता है √2a = 4r होता है, तो यहां पर a बराबर क्या होगा 4 × 127.8 / 1.414। चलिए इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं, चलिए इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं, देखिए जरा 4 × 127.8 कितना आया, ये बराबर आ रहा है 511.2 पिकोमीटर, ठीक है, डिवाइड बाई कितने से डिवाइड करोगे 1.414, 361 यहाँ पर, मतलब 1.414 से डिवाइड किया इज इक्वल टू 361.52 यहाँ पर आई वैल्यू पिकोमीटर के अंदर। अब इसको पुट करते हैं वैल्यू के अंदर, सिंपल आप मतलब फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करोगे, अपने आप चीजें निकल के आ जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस हो रही है, कैलकुलेशन जितनी करोगे ना उतनी अपन की प्रैक्टिस होती है। सारी चीजें मैंने आपको निकाल के फॉर्मूले रख दी है, फॉर्मूले में रख देना भाई, कर सकते हो इतना। इसको करते हैं, अपने पास में है सोडियम, इधर क्या पूछा गया है, इधर क्या पूछा गया, सिंपल वही तरीका है अपने पास में, ठीक है, वही तरीका है, सिंपल सी बात है, कर सकते हो। नियरेस्ट नेबर पूछा है, बॉडी सेंटर, नियरेस्ट नेबर मतलब अपने पास में सोडियम एटम बना रहा है बीसीसी स्ट्रक्चर, हैविंग द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दिस, मतलब मेरे पास में नियरेस्ट नेबर मतलब अगर मेरे पास में क्या है, ये एक क्यूब है, बीसीसी बनाया, इसका मतलब सोडियम ने बीसीसी बनाया, मतलब कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है और कहीं ना कहीं वो बॉडी सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है, बॉडी सेंटर। नियरेस्ट नेबर क्या होता है, नियरेस्ट नेबर मतलब कहां पे टच करेगा, ये कॉर्नर और ये जो ये वाला आइटम है एक दूसरे टच करेगा, मतलब √3/2 = यहां पर इतनी वैल्यू दे रखी है, बाकी की चीजें खुद कर सकते हो, ठीक है। क्या बोला मैंने, √3/2 = 365.9 पिकोमीटर, ठीक है, कर सकते हैं, बाकी चीजें खुद कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द यूनिट सेल, तो इसमें क्या पूछा गया है, जेड की वैल्यू पूछी गई है, जेड आपको निकालनी है, कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, क्या क्या दे रखा है, मोलर मास कितना दे रखा है 27 ग्राम पर मोल, क्या एल्यूमिनियम की बात चल रही है, ओके। क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ इज दिस, ठीक है, एज लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, एज लेंथ 4.05 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर। चलिए, If the density is 2.7 gram per cc, मतलब density rho बराबर 2.7 gram per cc, यहां पर आपको z की वैल्यू पता करनी है, मतलब आप क्या करोगे इस केस में, डेंसिटी बराबर z into m upon na into aq, ठीक है, यहां पर क्या करना है, a दे रखा है, m दे रखा है, rho दे रखा है, rho की वैल्यू कितनी है 2.7, चलिए पहले z को अलग कर ही लेते हैं कि z निकालना मुझे, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, रो रो इंटू एन ए
इनटू ए क्यूब डिवाइड बाई एम। ये चीज आप वैल्यू पुट कर सकते हो, कैलकुलेशन करनी है, कंसेप्ट में सिखा रहे हूं, कंसेप्ट सिखा दे रहा हूं, बाकी की चीजें अपन खुद कर सकते हैं ना, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है, अगेन डेंसिटी से क्वेश्चन दे रखा है, तो ये भी अपन कर सकते हैं। अब की बार एम की वैल्यू पूछी है, तो मैंने आपको बताया ना डिफरेंट सिनेरियोज है, डिफरेंट वो चीजें ट्राई करते हैं। यहां पर क्या है, सी एस बी आर हैज द बेसिस स्ट्रक्चर। अगेन यहां पर क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोला है, रुकिए जरा इसको कर ही लिया जाए इस क्वेश्चन को। तो देखिए जरा अपने पास में क्या है, यहां पर एक बीसीसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, बीसीसी स्ट्रक्चर है। बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है, एज लेंथ 4.2 एंगस्ट्रम है। एज लेंथ कहां पर है, 4.2 एंगस्ट्रम वैल्यू दे रखी है, 4.2 एंगस्ट्रम, ठीक है, बिटवीन द सी एस प्लस एंड बी आर माइनस। तो ये कहीं ना कहीं किस जैसी स्ट्रक्चर है, ये सी एस सी एल जैसी स्ट्रक्चर है, नहीं बोला है तो एटलीस्ट अपन को पता होनी चाहिए, सी एस सी एल टाइप की स्ट्रक्चर है। मतलब जो बी आर माइनस है वो एस एस यूनिट सेल बनाएगा और सी एस प्लस विल बी प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। इसका मतलब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, यहां पर हमारा बॉडी सेंटर पे कौन है, सी एस प्लस है, ये कौन है मेरा, बी आर माइनस है। इस डिस्टेंस को मैं क्या कह रहा हूं, अंडर रूट 3a बाय 2 इज इक्वल टू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 3a बाय 1.732 इनटू a कितना है, 4.2 एंगस्ट्रम है, कितना है, 4.2 एंगस्ट्रम है, 4.2 एंगस्ट्रम डिवाइड बाय क्या करोगे, 2 करोगे, कितना होगा ये, 1.732 इनटू 2.1 एंगस्ट्रम। कितना वैल्यू निकल के आ गई, जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जरा कर ही लेते हैं, 1.732 इनटू 2.1 कितना वैल्यू निकल के आ रहा है, 3.637 एंगस्ट्रम, ठीक है, ये वैल्यू यहां पर निकल के आएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन द सीएस प्लस एंड बीआर माइनस, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा जाए कि एज लेंथ ऑफ एमएक्स जो कि एब्सिसी लैटिस बना रहा है इज 7.2 एंगस्ट्रम। क्या बोला है, एज लेंथ ए बराबर 7.2 एंगस्ट्रम, ठीक है, ए लिखा हुआ है इसका मतलब एंगस्ट्रम है, ठीक है। फाइंड रेडियाई ऑफ द एक्स माइनस, ठीक है, जहां पर रेडियाई ऑफ द आर एम प्लस बराबर 1.6 एंगस्ट्रम है। इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए, आपको रेडियाई पूछनी है एक्स माइनस की, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे, एज लेंथ यहां पर ये दे रखी है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपके सामने एक इसको मैं करता हूं एज ए एनसीएल टाइप की स्ट्रक्चर मान लेता हूं, एनसीएल टाइप की स्ट्रक्चर, जब कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट आपको माननी पड़ेगी, तो बाय डिफॉल्ट मैंने ऐसा करा, इसको एनसीएल टाइप की स्ट्रक्चर, मतलब हमारे पास में ये चीज है, मतलब एक्स माइनस का क्या कर रहा है, वो लैटिस बना रहा है, कौन सा लैटिस बना रहा है, एब्सिस लैटिस बना रहा है, मतलब फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है और कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट है कॉर्नर पे, ठीक है, ये चीजें क्लियर है, ये चीजें क्लियर होंगी। और हमारा जो M प्लस है वो कहां पर जा रहा है, ये जा रहा है इज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे, कहां पर गया है, इज सेंटर पे। तो कोई भी एक रिलेशन निकाल लो, अपने पास में एक रिलेशन मैंने निकाला कि मेरे पास में ये क्या है, इज सेंटर वाला एटम, और इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा एनाइन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसकी रेडियाई मुझे निकालनी है, इसकी रेडियाई निकालनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है मेरा, इट इज 2 इनटू 1.6, अरे ये आर एम प्लस और इधर भी आर एम प्लस, तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, 2 आर एम प्लस प्लस 2 ये क्या हो गया, आर एक्स माइनस, बराबर किसके है, ए के बराबर है, मैंने 2 कॉमन लिया था, तो रिजल्टेंट यहां पर क्या रिलेशन बन के आता है कि ए बाई 2 इज इक्वल टू आर एम प्लस प्लस आर एक्स माइनस। समझ में नहीं आया, 2 कॉमन लिया और 2 कॉमन लेने के बाद में अपन को 2 आर एम प्लस प्लस आर एक्स माइनस ये चीजें देखने को मिली, बराबर ए के है, क्लियर है, क्लियर चीजें हैं। अब ए कितना दे रखा है, ए यहां पर मुझे दे रखा है 7.2 एंगस्ट्रम डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना है, आर एम प्लस कितना है, 1.6 एंगस्ट्रम प्लस आर एक्स माइनस, क्लियर है। इसको जरा सॉल्व करते हैं, कितना वैल्यू आएगा, 3.6 एंगस्ट्रम, इसको माइनस 1.6 एंगस्ट्रम किया इज इक्वल टू आर एक्स माइनस। तो यहां पर वैल्यू कितनी निकल के आ गई, रेडियस ऑफ द एक्स माइनस इज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रम, क्लियर है। अब जनरली मैं कह रहा हूं ना कि जनरली क्या होता है,
एनायन रेडियाई, एनायन क्रिस्टल लैटिस बनाता है, और उसकी जो रेडियाई है एक कैटायन से तो जनरली ज्यादा होती है, ज्यादा ही है। उसकी 1.6 एंगस्ट्रम है, इसकी 2 एंगस्ट्रम है, क्लियर है। तो यहां पर क्या है हमारा जो लेक्चर है अबाउट दी, अपन ने क्या किया यहाँ पर, जितने भी क्रिस्टल लैटिस बचे थे, जितने भी आयनिक सॉलिड बचे थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया, डायमंड क्यूबिक लैटिस बता दिया है, ठीक है, आपको इनवर्स स्पाइनल और स्पाइनल बता दिया है, आपको बुड्जैक स्ट्रक्चर भी बता दिया है। ऐसे तो होने को तो बहुत सारे स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में जो है वो हमने आपको डील करा दी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा जो लेक्चर है वो होता खत्म, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अपन ने कर ली है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अपन ने कर ली है। अब जरा इस क्वेश्चन को करो, अपने पास में क्या है, ए बी जो है वो एनिशियल टाइप का स्ट्रक्चर है, ये क्या है एनिशियल टाइप का क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। यहां पर क्या है मतलब बी जो है वो क्रिस्टल लैटिस बनाएगा, ए प्रेजेंट इन द फेस सेंटर, ए प्रेजेंट एट द अपना बॉडी सेंटर एज वेल एज एज सेंटर। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा करते हैं, यहां पर देखिए जरा क्वेश्चन को पढ़ो और समझो क्या होगा। यहां पर X माइनस अगर मैं आपको दिखाऊं, X माइनस को मान लीजिए मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, किससे शो कर रहा हूं रेड कलर से, ठीक है। तो जो X माइनस है वो कहां पर प्रेजेंट होगा, हर एक कॉर्नर पे और हर एक फेस सेंटर पे, इस तरीके से प्रेजेंट होगा, क्लियर है, ठीक है, क्लियर बात होगी यहां तक। अब देखिए जरा, और मैं बात करूं A प्लस की, तो A प्लस को मान लीजिए मैं ग्रीन कलर से कुछ इस तरीके दिखा देता हूं, इसे दिखा रहा हूं ग्रीन कलर से, ठीक है, ग्रीन बोल रहा हूँ सॉरी ब्लू कलर है, ठीक है, ब्लू कलर से दिखाया है। तो ए प्लस कहाँ प्रेजेंट होगा, हर एक एज सेंटर पे। तो एज सेंटर कितने होते हैं टोटल, 12 होंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, अब एक कंडीशन अपन ने लगाई है, नॉर्मली एनिशियल टाइप का क्रिस्टल लैटिस था कि अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव, मतलब मैं बात करूं फेस सेंटर से जाता हुआ एक एक्सिस जाएगा, मतलब ये वाला एक्सिस जा रहा है। देखिए जरा, जिस मान लीजिए किसी रूम में आप बैठे हुए, एक मैंने एक्सिस ऐसे डाला तो उसमें फेस सेंटर ये वाला गया, एक बॉडी सेंटर गया और ये फेस सेंटर गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल केस में क्या था मेरे पास में, मैं लिखता हूं एक एक चीज को, कि जो एक्स था, मतलब मैं बात कर लूं यहां पर नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं, आसान क्वेश्चन है, अगर आपने अप्रोच सही लगाई है आसान क्वेश्चन है। बी एटम कहां कहां प्रेजेंट था, बी एटम वॉज प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, ठीक है, इट वॉज प्रेजेंट एट द अपना कॉर्नर, ठीक है, और ए जो है दैट इज प्रेजेंट एट द एज सेंटर, ठीक है, मतलब ऑक्टेटल वर्ड में होता है ना, एज सेंटर पे, और ये प्रेजेंट था बॉडी सेंटर पे। तो कहने का मतलब मैं बात करूं नंबर की, तो इनकी नंबर क्या क्या है रेस्पेक्टिवली, नंबर क्या क्या है, इसकी नंबर है फेस सेंटर कितने होते हैं 6 होते हैं, कॉर्नर कॉर्नर कितने होते हैं 8 होते हैं। तो कॉर्नर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो इसको 1/8 के साथ मल्टीप्लाई कर ही दो। यहां पर क्या हुआ है, एज सेंटर 12 × 1/4, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बॉडी सेंटर चला गया है, बॉडी सेंटर गायब हो गया है अपने एज, मतलब फेस सेंटर से फेस सेंटर के थ्रू गया ना, तो कहीं ना कहीं बॉडी सेंटर के थ्रू चीजें जाएंगी। बॉडी सेंटर हटा दिया मैंने, फेस सेंटर ये वाला हटा दिया, दोनों आमने सामने वाले, तो कहने का मतलब ये बचे केवल 4, तो 4 × 1/2, तो ये कितना हुआ अपने पास में 2, और 2 + 1 कितना हुआ 3 हुआ। तो मेरे पास में B तो निकल के आ गए कितने 3, ये कितना हुआ 3, तो इसका मतलब ये भी 3, ये भी 3, क्या हुआ A3B3, या फिर जिसको आप क्या लिख सकते हो AB लिख सकते हो। समझ में आई क्या चीज है हमको, इसको AB भी लिखा जा सकता है, A3B3 भी लिखा जा सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है हमारे जो लेक्चर है वो ये वाला खत्म होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत खास नहीं आ रही है, लेकिन कोर्स के लिए कैसे एनरोल करना है उसमें दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है क्लास 11-12 चूज करना है, इस तरह की चीजें दिखेंगी, उसके बाद आप उनको ये डैशबोर्ड कुछ इस तरीके दिखेगा। अगर आप साइंस के बच्चे को और आपको 11th क्लास में, आप 11th क्लास में हैं, आप 12th क्लास में हैं, तो 11th क्लास के अगर आप बच्चे हो तो आपको ये वाला प्रारंभ बैच के लिए एनरोल करना है। अगर आप 12th के बच्चे हो तो टॉपर बैच, अरे टी मतलब 12th, ठीक है, पी का मतलब प्रारंभ, मतलब 11th क्लास हो गई, ठीक है। ये क्या हुआ अपने पास में, उदय और शिखर, दिस इज फोर्थ कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद में अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, चीजों को एंजॉय करिए, चीजों को अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए मेहनत करिए, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो लेक्चर है वो होता है खत्म। जैसा कि मैं हर लेक्चर में आपके आप सभी से कहता हूं, ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद अ स्माइल। थैंक यू वेरी मच।